हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल मेक ब्यूटी एंड टेक हेल्दी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कुछ ऐसा लेकर आई हूँ जो कि ना आपके स्किन को ब्राइट और टाइट भी करेगी। फ्रेंड, ये आपके रिंकल को, डार्क स्पॉट्स को और आपके चेहरे पर जितने भी पॉल्यूशन हैं उन सबको भी दूर करेगी। बल्कि फ्रेंड, ये आप किसी तरह का रेमेडी नहीं है बल्कि एक फेशियल फॉर्म है। फ्रेंड, इसमें आपको मैं 4 स्टेप बताऊँगी और ये आपको बिल्कुल भी पार्लर जैसा ही ग्लो देगा। जैसा आप पार्लर में फेशियल करवाते हैं तो ये वैसा ही ग्लो देगा। आप किसी इसके लिए किसी ज़्यादा टाइम की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ्रेंड, आप 10 से 15 मिनट में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। आपको अगर किसी पार्टी में जाना है, किसी फंक्शन में जाना है तो आप आधे घंटे पहले टाइम निकाल करके घर के ही चीज़ों से आप इस फेशियल को करके आप तुरंत तैयार होकर के जा सकते हैं। तो फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन किंतु फ्रेंड, उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले हम बनाएंगे क्लिंजर। तो क्लिंजर बनाने के लिए फ्रेंड हम एक बॉल लेंगे, इस तरह का एक बॉल लेंगे फ्रेंड, और क्लिंजर में डालेंगे गुलाब जल। ये देखिए, मैंने रोज़ वाटर लिया है, अब इसमें हम रोज़ वाटर डालेंगे करीबन 1 टीस्पून के करीब। और फिर अब हम इसमें डालेंगे लेमन। ये देखिए, मैंने लेमन ले लिया है, आप भी इसमें 2 से 3 बूंद लेमन का डालेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी हल्दी। अब फिर अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर वैसे तो लेमन जो है वो हमारे स्किन की सारी गंदगी को दूर करते हैं और रोज़ वाटर हमारे स्किन को बहुत फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो फ्रेंड, उसके बाद हम एक कॉटन बॉल लेंगे, इस तरह का एक कॉटन बॉल ले लेंगे फ्रेंड। ये देखिए, मैंने ले लिया है, इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लिया और अपने स्किन को पहले क्लीन कर लेंगे इस तरह से। देखिए, जहाँ पर आप फेशियल कर रहे हैं उस जगह को अच्छे से क्लीन कर लेंगे इस तरह से। देखिए फ्रेंड, कितना अच्छा क्लीनिंग हो रहा है हमारे फेस का। ये देखिए, अच्छा लग रहा है ना फ्रेंड। ये बहुत जल्दी इंस्टेंट ग्लो देगा और आपको किसी भी तरह का पार्लर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप बहुत जल्दी में हैं फ्रेंड किसी पार्टी में जाने के लिए, तो आप इसको बेझिझक अपने घर पे अप्लाई करके और तैयार होकर के हल्का मेकअप भी करेंगे तो चलेगा, और पार्टी में आप जाने के लिए रेडी हो जाएंगे। इस तरह से अपने पूरी स्किन को 2 से 3 मिनट तक अपने करते रहिए और फिर ये सूख जाएगा। तो फ्रेंड, अब इसके बाद हम इस पर स्क्रब अप्लाई करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से हम पूरी स्किन को अच्छे से मसाज करेंगे। मात्र 2 से 3 मिनट तक हमें इसे करना है। और ये देखिए फ्रेंड, अब इसको थोड़ा सा सूख जाने दीजिए। देखिए फ्रेंड, मेरा जो हाथ है वो पूरी तरह से सूख गया है और क्लींज हो गया पूरा। ये देखिए, आपको लग रहा होगा देखने से ही, है ना। अब फ्रेंड हम इसमें स्क्रब करेंगे। स्क्रब करने के लिए फ्रेंड सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट लेंगे वो सूजी लेंगे। ये देखिए, मैंने सूजी ले लिया है, करीबन 1 टीस्पून हम एक साफ बॉल में सूजी ऐड करेंगे। ये देखिए, ये 2 स्पून मैंने सूजी ले लिया है। अब हम लेंगे रो मिल्क। ये देखिए फ्रेंड, मेरे पास रो मिल्क है, हम अब इसमें रो मिल्क 2 टी स्पून ऐड करेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे टोमेटो जूस। टोमेटो जूस भी हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है फ्रेंड। ये हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है और हमारे स्किन को क्लीन भी करता है। और सूजी जो है वो हमारे डेड सेल्स को, हमारी स्किन को प्योर करता है। इस तरह से हम स्क्रब करेंगे। ये देखिए, इस तरह से अपने हाथों से लेकर के हम इस पर स्क्रब करेंगे फ्रेंड। इससे क्या होगा कि हमारे
स्किन पे जितने भी डेड सेल्स हैं, जितने भी गंदगी है, जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं, वो सूजी हमारे स्किन से सारा निकाल देगी और बहुत ही जल्दी प्योर बना देगी। फ्रेंड, रॉ मिल्क मैंने इसलिए डाला है क्योंकि रॉ मिल्क में ऐसे प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो हमारे स्किन को ब्राइट करने में मदद करती हैं, हेल्प करती हैं। और फिर फ्रेंड, आप ऐसा नहीं है कि आप इसको फेस पे ही अप्लाई कर सकते हैं, आप अगर चाहें तो अपने बॉडी के अन पार्ट पे भी इस स्क्रब को अप्लाई कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है आपके स्किन को, के जितने भी डेड सेल्स हैं उसको बहुत जल्दी निकाल देता है। फ्रेंड, इस तरह से आप इसको 5 मिनट तक करें, ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से हमारा स्किन जो है वो ग्लो करने लगा है मात्र क्लिनजिंग और स्क्रब में ही। अभी मैंने 1 मिनट ही किया फ्रेंड, पर इसका रिजल्ट देखिए कितना अच्छा है, लग रहा है ना पूरा एकदम ब्लाइट। फ्रेंड, इसको आप ज़रूर अप्लाई करें, ये स्क्रब हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो सूजी जो है हमारे स्किन की प्योरिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है और बहुत ज़्यादा ग्लो करता है, ये हमारे स्किन को ब्राइट और टाइट करने में भी बहुत मदद करता है। फ्रेंड, ये हमारे स्किन की झुर्रियों को मिटाता है। तो फ्रेंड, इस तरह से हम इसको अप्लाई करेंगे, ये देखिए फ्रेंड, ये स्क्रब अगर आप चाहें तो हफ्ते में 2 बार अपने स्किन पे अप्लाई करें। ये स्क्रब ज़रूरी नहीं है फ्रेंड कि आप अगर जब फेशियल कर रहे हों, मसाज कर रहे हो तभी अप्लाई करें, अगर आपका स्किन बहुत ज़्यादा डार्क है तो आप हफ्ते में 2 बार इसको इस्तेमाल करें, आपका स्किन बहुत ही जल्दी ब्राइट हो जाएगा और टाइट भी हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड, मैंने इस तरह से 5 मिनट तक इसको कर लिया है और उसके बाद आप इसको साफ मिल्क से वॉश कर लें, ये देखिए कितना अच्छा लाइट आ गया। ये देखिए फ्रेंड, मैंने अपनी स्किन को धो दिया है, कितना अच्छा ग्लो आया स्क्रब करने के बाद, है ना, ये आपको दिख रहा होगा कितना अच्छा ग्लो इसमें आया हुआ है। अब फ्रेंड, हम इसमें क्रीम जो होता है फेशियल क्रीम वो यूज़ करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, हम बताते हैं कि फेशियल क्रीम में क्या क्या हमें लेना है। तो हम एक दूसरा बॉल लेंगे फ्रेंड, इस तरह का एक दूसरा बॉल लेंगे और अब उसमें हम ऐड करेंगे हनी। हनी हमारे स्किन को बहुत ज़्यादा क्लीन करता है और हमारे डार्क स्पॉट को दूर करता है। तो इस तरह से फ्रेंड, हम करीबन 1 टीस्पून के करीब हम हनी ले लेंगे। और फ्रेंड, अब हम इसमें लेंगे जो वो है दही कर्ड। इस तरह से हम 1 चम्मच दही लेंगे, इसमें ऐड करेंगे फ्रेंड। और अब हम इसमें ऐड करेंगे एक चुटकी भर, देखिए मैंने ले लिया है टर्मरिक पाउडर, हल्दी। और अब इसमें हम ऐड करेंगे फ्रेंड लेमन, करीबन 2 से 3 बूंद हमें लेमन लेना है। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड, दही जो है वो हमारे स्किन की जो ऑयल बैलेंस है उसको कंट्रोल करता है, उसको मैनेज करता है। और इस तरह से मिक्स कर लिया है मैंने, ये देखिए एक अच्छा सा क्रीम बन के रेडी हो गया है। और अब हम स्किन पे जो है उसको अप्लाई करेंगे इस तरह से। 5 मिनट तक आप इसको मसाज करें, ये देखिए फ्रेंड मैं मसाज कर रही हूँ, आप भी कर लें। फ्रेंड, ये जो है हमारी स्किन को मॉइस्चर को बनाए रखता है और अंदर से ग्लो करता है। अगर आपके स्किन पे ज़्यादा डार्क स्पॉट्स के निशान हैं, दाग काले धब्बे हैं, अगर वो पड़ गए हैं तो ये आपको अंदर से क्लीन करेगा। इस तरह से मसाज करने से जो इसके गुण हैं वो हमारे स्किन में अंदर तक चले जाते हैं और बहुत ज़्यादा इसको ग्लो करते हैं। अगर फ्रेंड हम इसको हफ्ते में 1 या 2 बार भी करते हैं तो इसका रिज़ल्ट आपको बहुत जल्द 1 महीने में ही बहुत अच्छा नज़र आएगा। फ्रेंड, इस फेशियल को आप घर पे कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, ये देखिए फ्रेंड, अगर आप इसका रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपको किसी पार्लर में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। ये देखिए फ्रेंड, इसको आप 5 मिनट तक इसी तरह अप्लाई करें, ये देखिए इसी तरह। आपको दिख रहा होगा फ्रेंड मैं किस तरह से मसाज कर रही हूँ, आप भी इसी तरह राउंड पोस्चर में लेट जा करके अपने स्किन को मॉइस्चराइज स्क्रब करें, मसाज करें।
राउंड्स में करने से क्या होता है कि हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा हो जाता है और हमें जो इसका रिजल्ट आता है वो बहुत ही इंस्टेंट और बहुत ही अच्छा आता है। ये देखिए फ्रेंड, आप भी पूरे स्किन पे इसी तरह से अप्लाई करें, कम से कम 5 मिनट तक आप इसको ऐसे ही करते रहें और उसके बाद फिर क्लीन वाटर से धो लें और उसके बाद फिर मैं जो पैक बताऊंगी आप वो पैक अप्लाई करके 10 से 15 मिनट तक आप छोड़ दें, उसके बाद स्किन को धो लें। उसके बाद अगर आप पार्टी में जाना चाहती हैं तो थोड़ा लाइट मेकअप करके आप जा सकती हैं। फिर ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, कितना जल्दी कितना अच्छा साफ हो गया, ग्लोइंग हो गया मेरा स्किन। ये देखिए फिर आपको दिख रहा होगा कितना अच्छा हो गया है। ये देखिए फ्रेंड, मैंने मसाज कर लिया है, मसाज करके मैंने इसे धो लिया है। अब ये देखिए कितना अच्छा ग्लो, कितना अच्छा लाइट इस पर आया है। ये देखिए पानी अभी तक लगा हुआ है मेरे स्किन पे। ये देखिए आपको दिख रहा होगा कितना अच्छा ग्लो आया है। अब हम इस पर अप्लाई करेंगे मास्क। तो फ्रेंड मास्क के लिए हमें एक 3 बॉल लेना होगा इस तरह का, और अब इसमें हम डालेंगे बेसन। एक टीस्पून बेसन हम लेंगे। फ्रेंड बेसन हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, ये हमारे स्किन को अंदर से ग्लो करता है। और फ्रेंड अब हम इसमें लेंगे रॉ मिल्क। फ्रेंड आप कभी भी सच्चा दूध ही इस्तेमाल करें, वॉर्म दूध मिल्क अपने अप्लाई करें। और फ्रेंड अब हम इसमें लेंगे थोड़ा सा हनी। ये देखिए मैंने ले लिया है इसी तरह से, और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर कंडेंसी आपको ज़्यादा गाढ़ी लगे तो आप इसमें रोज़ वाटर ऐड कर दें, जैसे मैं ऐड कर रही हूँ। फिर ये देखिए तो इसमें वाटर ऐड ना करें, वाटर से हमारी स्किन डल हो जाती है। अगर हम रोज़ वाटर ऐड करेंगे फिर इस तरह से हम इसको मिक्स करके एक पेस्ट बना लेंगे। फ्रेंड ये देखिए मैंने इसका पेस्ट बना लिया, और अब हम जहाँ पे हमने मसाज किया है उस जगह पे इस तरह से एक गाढ़ी सी लेयर बना लेंगे इस तरह से। ये देखिए आपको दिख रहा है, मैं जिस तरह से कर रही हूँ बस उसी तरह से आपको एक लेयर बनाना है। ये देखिए फ्रेंड अब इसको आप 10 से 12 मिनट तक अपनी स्किन पे लगे रहने दें। फिर जब ये ड्राई हो जाए, पूरी तरह से ड्राई नहीं होने दें, हल्का ड्राई ही हो, तब आप इसको धो लें और फिर आप मेकअप कर सकती हैं। मेकअप करके अपने जिस फंक्शन में जाना है, जिस पार्टी में आपको जाना है, आप जा सकती हैं। ये देखिए फ्रेंड इसी तरह लगा के आप रहने दें, बिल्कुल गाढ़ी सी कंडेंसी में आपको एक पेस्ट तैयार करके लगाना है। ये देखिए फ्रेंड मैंने इसको धो लिया है, 15 से 20 मिनट हो गए थे, सूख गया था और मैंने इसे धो लिया। ये देखिए कितना अच्छा लाइट आया है और कितना अच्छा ग्लो आया है स्किन पे। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा। फ्रेंड आप इसी तरह से आप कर सकते हैं, और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करें। फ्रेंड थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग माई वीडियो।